नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आपकी समर हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं और हॉलीडेज में आपको होमवर्क तो मिलता ही है, तो आपका जो संस्कृत का हॉलीडे होमवर्क है, नाउ वी विल डिस्कस द हॉलीडे होमवर्क ऑफ संस्कृत सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर वन इज स्व कक्षाएं, यानी आपको अपनी क्लास के 20 छात्राणां 20 बच्चे, गर्ल्स हो या बॉयज हो, 20 होने चाहिए, उनके नामों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार संस्कृत भाषा में लिखना है। वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जैसे आपको पता है कि वर्णमाला हमने वर्ण विन्यास जो चैप्टर है हमारा हिंदी रीडर का, उसमें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो व्यंजन हैं वो किस ऑर्डर में हम सेट करते हैं, तो जिस ऑर्डर में हमने हिंदी वर्णमाला में हिंदी पढ़ी थी उसी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी है, सेम लिपि है, सेम वर्ण है, दैट्स वाई हमें सेम फॉलो करना है पैटर्न को। तो आपके जो क्लास के 20 बच्चे हैं उन 20 बच्चों के नाम आपको वर्णमाला के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट करने हैं और फिर उन नामों को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। अब जब आप अपने संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, संस्कृत भाषा में मैंने आपको अकारांत, इकारांत और उकारांत तीनों की जो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों लिंगों के शब्द रूप करवाए हैं, और नहीं तो मैं आपको उनका एक पिक्चर सेंड करूंगी। उसमें जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो शब्द है आपको उसके अकॉर्डिंग उन शब्दों को लिखना है। मान लीजिए जैसे किसी का नाम है श्याम, किसी बच्चे का नाम है श्याम, तो आप ये देखेंगे कि श्याम में मैं क्या है, अकारांत है, तो अकारांत में राम और आकारांत में रमा। अब किसी भी बॉयज का नाम, यदि किसी बॉय का नाम आप पे लास्ट होता है आस्वर पे, तो उसकी प्रथम विभक्ति एक वचन का जो रहे, जैसे हमारे राम में हम लिखते हैं राम है और श्याम में हम लिखते हैं श्यामा, तो जो भी नाम होगा उसकी प्रथम विभक्ति एक वचन के अकॉर्डिंग आपको उन बच्चों के नाम क्या करने हैं, सेट करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज के लिए आपको एक फाइल बनानी है, इस फाइल में आप ये चारों क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, क्लास के 20 बच्चों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने हैं और फिर उन्हें संस्कृत भाषा में लिखना है एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना है। सेकंड क्वेश्चन है ज्येष्ठ मास से। अब ये देखिए ज्येष्ठ मास जो चल रहा है आपका मिड मई से मिड जून तक, यानी 15 या 16 में से 15, 16, 17 जून तक का जो महीना होगा वो आपका जेठ मास का होगा। तो आप अपने घर में जो आपका कैलेंडर है, पंचांग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस कैलेंडर में आप ये देखेंगे कि आपके वैशाख की जो पूर्णिमा है उस दिन वैशाख का महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद ज्येष्ठ होगा आपका स्टार्ट। आप अपने कैलेंडर में देखेंगे आपको वहाँ पर ज्येष्ठ की प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सब कुछ मेंशन होगा उस कैलेंडर को उठा के आपको मिड या मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि 15, 16, 17, 18 इन चारों डेट्स में से किसी भी एक डेट को होगा आपका ज्येष्ठ का महीना स्टार्ट। और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट होगा आपका प्रतिपदा से, और जब वो प्रतिपदा के बाद आप सिक्वेंस में चलेंगे फिर अमावस्या आएगी और फिर जिस दिन पूर्णिमा आएगी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, उस दिन वो कैलेंडर, उस महीने का जो कैलेंडर है वो महीना वहाँ कंप्लीट होगा, उस महीने के पंचांग को आपको बनाना है। समझ में आ गया कैसे बनाना है, आपको कैलेंडर बनाना है, बकायदा स्क्वायर्स फिक्स करने हैं, स्क्वायर्स में आपको वही सोमवार, मंगलवार हिंदी में लिखना है सब कुछ, क्योंकि कैलेंडर में हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। नाउ आपको डेट्स लिखनी है जो डेट्स वहाँ दे रखी हैं। अब आपका ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा जिस दिन स्टार्ट हो रही है आपको वो डेट लिखनी है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक कैलेंडर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगी ताकि आपको इजी हो जाए कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में है सदाचार विषयानाम। सदाचार का मीनिंग क्या होता है, सत्य प्लस आचार, यानी अच्छा व्यवहार। तो अच्छे व्यवहार से रिलेटेड उस टॉपिक पर आपको कोई भी 5 लोग लिखने हैं, कोई भी 5 लोग जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, वो 5 श्लोक का आपको लिखने हैं सदाचार के टॉपिक वाले, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4।
फोर इज, क्वेश्चन नंबर फोर इज पंचतंत्रता सैनिक का नाम, यानी पांच स्वतंत्रता सैनिकों के आपको चित्र पेस्ट करने हैं। अगर आपको ड्राइंग अच्छी है तो आप बना सकते हैं, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप उन्हें पेस्ट कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो जाए वो कर लें आपका। आपको पांच स्वतंत्रता सैनिकों के चित्रों को पेस्ट करना है या बनाना है और फिर उनके बारे में टू टू सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे आपने बनाया, आपने सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर पेस्ट किया तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको दो लाइनें लिखनी हैं। आपने महात्मा गांधी का पिक्चर लगाया तो महात्मा गांधी के बारे में आपको दो लाइनें लिखनी। समझ में आया अच्छे से? अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 20 क्लास के बच्चों के नाम अल्फाबेटिकली, हिंदी की अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, हिंदी की वर्णमाला में सेट करने हैं और फिर उन्हें संस्कृत भाषा में लिखना है। क्लियर? प्रथम विभक्ति एक वचन का जो रूप है वही आपको उस नाम के अकॉर्डिंग मैच करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको जेठ मास का कैलेंडर बनाना है जो मिड मई से मिड जून तक होता है। जेठ मास है आपका मिड मई से मिड जून तक। समझ में आ गया? आप कैलेंडर उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा जेठ मास से प्रतिपदा। उसके बाद आपका कृष्ण पक्ष आएगा, फिर अमावस्या आएगी, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, फिर पूर्णिमा आएगी और जिस दिन आपकी पूर्णिमा होगी उस दिन वो महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डेट्स मैच करनी है। थर्ड क्वेश्चन है आपको, आपको अच्छे व्यवहार पर, ये टॉपिक है आपका अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर, इस पर आपको 5 श्लोक संस्कृत भाषा के फाइंड आउट करके लिखने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 स्वतंत्रता सेनानियों के जो चित्र हैं उन्हें पेस्ट करना है, ड्रॉ कर लीजिए जैसे आपकी मर्जी और उनके बारे में आपको टू टू सेंटेंसेस लिखने हैं। क्लियर? समझ में आया आपको चारों क्वेश्चंस कैसे करने हैं? और ये सारे जो वर्क है आपको, ये सारा वर्क आपको A4 साइज शीट पर ही करना है। कंप्लीट वर्क आपको A4 साइज शीट पर करना है। आपका मर्जी, जो आप चाहें उस कलर की आप यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल शीट यूज़ करें या वाइट शीट यूज़ करें, शीट्स आपको A4 साइज ही यूज करनी है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। सो एनी क्वेरी? क्लियर इज नाउ? हैप्पी समर हॉलीडेज। थैंक यू बेटा।